अब इस चिट्ठी की आवाज सुनिए, है ना बिल्कुल टॉफी जैसा। बाजार का खाना भूल जाइएगा, इतना आसान है इसे घर में बनाना। मुख्यतः दो सामग्री से बन के सिर्फ 10 मिनट में तैयार हो जाती है और मैंने स्टेप बाय स्टेप बनाना बताया है। आप एक बार बनाएंगे ना तो हमेशा इसी विधि से बनाना पसंद करेंगे। चलिए देखते हैं कैसे बनाते हैं। मुख्यतः हमें दो चीजों की आवश्यकता है। मैंने लिया है 250 ग्राम मूंगफली, ये कच्ची मूंगफली है। चिक्की जब भी बनाए तो फ्रेश मूंगफली का बनाए, बिल्कुल भी कहीं से कीड़ा या जाला मूंगफली में नहीं होना चाहिए या पुराना मूंगफली का इस्तेमाल ना करें। और जितना हम मूंगफली लेंगे उतना ही हमें गुड़ का इस्तेमाल करना है यानी जागरी। तो यहाँ पे 250 ग्राम गुड़ लिया है। अगर कप से नापे तो ये 1.5 कप गुड़ है। चाकू से मैंने बारीक टुकड़ों में काट लिया है ताकि जब गुड़ की चाशनी बनाए तो गुड़ जल्दी से मेल्ट हो जाए। गुड़ भी बाजार में दो तरीके का आता है, एक थोड़ा सा डार्क शेड में यानी काले गुड़ आते हैं और एक लाइट शेड में आता है। तो बस जो साफ सुथरे गुड़ हो उसका आप चिक्की बनाएं। और बिल्कुल बाजार जैसा शाइनिंग लाने के लिए यहाँ पे मैं 1 टेबलस्पून देसी घी का इस्तेमाल कर रही हूँ, आप वनस्पति भी डाल सकते हैं। और 1 टेबलस्पून पानी पैन या कढ़ाई में डाले मूंगफली और बिल्कुल पेशेंस के साथ लो फ्लेम पे हम रोस्ट करेंगे। रोस्ट करने में आपको 10 मिनट का टाइम लग जाएगा और लगातार हम इसे चलाते रहेंगे। अगर फ्लेम थोड़ा भी बढ़ा दीजिएगा तो मूंगफली जल जाएगी, कलर चेंज हो जाएगा और हमारा चिक्की खराब हो जाएगा। आप अगर माइक्रोवेव में रोस्ट करना चाहते हैं तो 3 मिनट के लिए रोस्ट कर सकते हैं। इसी तरीके से चलाते हुए हम रोस्ट कर लेते हैं। लगभग 10 मिनट हो चुका है और लगातार मूंगफली को चलाया है। आप देख सकते हैं बिल्कुल भी कलर चेंज नहीं हुआ है, काफ़ी गर्म है। मैं आपको छू के बताती हूँ तो देखिए छिलका अलग होने लगा है। इससे ज़्यादा हमें ड्राई रोस्ट नहीं करना है। बाजार में रोस्टेड मूंगफली भी मिलती है दोस्तों, तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मूंगफली जैसे ही रोस्ट होगी तो ये 2 टुकड़ों में खुद ब खुद टूट जाएगी। चिक्की बनाने का सबसे ज्यादा ये इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, यहाँ जरा भी लापरवाही ना बरते। फ्लेम को बंद कर दीजिए और एक प्लेट में निकाल लीजिए। 5 मिनट के बाद मूंगफली ठंडी हो चुकी है यानी हम इसे हाथों से छू सकते हैं। तो इस तरीके से जब आप मैश करेंगे ना तो इसका छिलका निकलने लगेगा। देखिए दोनों हाथों से ऐसे मैश कर ले या फिर स्ट्रेनर पे भी रख के आप रगड़िएगा ना तो छिलका अलग हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि कुछ छिलके अलग हो चुके हैं। तो इस तरीके से प्लेट को करें तो देखिए सारे छिलके जो अलग हुए हैं वो साइड आ गए हैं। आप किसी बड़े थाली में भी इस तरीके से फटक सकते हैं या छन्नी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। या फिर फूंक भी मार सकते हैं। फिर से रगड़िए। आप थोड़े थोड़े क्वांटिटी में भी रब कर सकते हैं या फिर किचन टॉवल में लपेट के इस तरीके से रगड़िएगा ना तो छिलका निकल जाएगा। फिर से साफ कर लीजिए। तो मूंगफली के छिलके निकल चुके हैं और 2 टुकड़ों में भी मूंगफली टूट चुकी है। अगर आप बाजार से रोस्टेड मूंगफली रेडीमेड लाते हैं तो बस 10 मिनट में चिक्की बनके तैयार हो जाएगी। चलिए अब हम गुड़ का सिरप बनाएंगे। फिर से हम पैन चढ़ाएंगे और कटे हुए गुड़ को डालते हैं। साथ ही में डाल दें 1 चम्मच पानी। फ्लेम बिल्कुल कम रखें, लोहे के कढ़ाई में भी बन जाएगा। इस तरीके से हम चलाते रहेंगे, पानी और ज़्यादा बिल्कुल ना डालें। आप 1 ही मिनट में देखिएगा कि गुड़ मेल्ट होना शुरू हो गया है यानी पिघलने लगा है। फ्लेम को आप लो से थोड़ा सा ज्यादा कर सकते हैं गुड़ पिघलने के बाद, मीडियम बिल्कुल ना करें।
3 मिनट हो चुका है, अब हल्का हल्का बबल्स दिखने लगा है, यानी गुड़ उफनना शुरू हो गया है। चलाते रहें, साथ ही में शाइनिंग देने के लिए डाल दें 1 टेबलस्पून घी, आप नहीं भी डाल सकते हैं, और घी हेल्थ के लिए बहुत हेल्दी होता है। सर्दियों में मूंगफली होती है, गुड़ भी होता है, और घी हमने डाला तो ये बहुत ही ज़्यादा पौष्टिक से भरपूर होता है। इसे आप सर्दियों की मिठाई भी बोल सकते हैं, जिसे पूरी सर्दी लोग खाना पसंद करते हैं। देखिए किस तरीके से गुड़ उफनने लगा है, हम चलाना बिल्कुल भी बंद नहीं करेंगे, इसी तरीके से चलाते हुए पकाएंगे। अगर आप ड्राई फ्रूट्स चिक्की बनाना चाहते हैं तो बारीक काट के 8 से 10 काजू, बादाम, अखरोट डाल सकते हैं, और रोस्टेड तेल भी डाल सकते हैं 1 से 2 चम्मच। चलाते रहें। स्पैचुला से अगर आप सिरप को इस तरीके से गिराएंगे तो देखिए कितनी पतली धार है, इसका मतलब गुड़ का चाशनी और पकेगा। गुड़ उफनते उफनते 7 से 8 मिनट हो चुका है, बहुत सौंधे सी खुशबू आने लगी है। सिरप बन के तैयार हुआ है कि नहीं, उसके लिए नॉर्मल पानी में इस तरीके से गुड़ का सिरप डालें और फ्लेम बिल्कुल कम रखिएगा, इस तरीके से चलाएं। कुछ देर छोड़ देने के बाद हाथों में इस तरीके से लेके देखें, आप देख सकते हैं कितने अच्छे से ये राउंड होने लगा, लेकिन अभी चाशनी बनी नहीं है और ये बहुत सॉफ्ट है। देखिए इसका मतलब अभी गुड़ को और हमें 1 मिनट के लिए पकाना है। गुड़ पकाते पकाते आपको पहले ही किचन स्लैब या फिर स्टील की थाली को अच्छे से घी से ग्रीस कर लेना है। 1 मिनट हो चुका है, सिरप थोड़ा गाढ़ा और हो चुका है, हम फिर से चेक कर लेते हैं, कुछ सेकंड के लिए पानी में छोड़ दें और चलाना बंद ना करें। और अब इसे हाथों में ले, देखिए मैं इसे आपको दिखाती हूँ, तो अब आप देखेंगे कि ये टॉफ़ी की तरह हार्ड हो गया है। तो इसे जब आप तोड़े ना तो टॉफ़ी की तरह ये थोड़ा हार्ड हो जाना चाहिए, देखिए। तो बस इससे ज़्यादा ना पकाएं, फ्लेम को बंद कर दें। और फ्लेम बंद करने के बाद डालें भुनी हुई मूंगफली, और जैसे ही मूंगफली डालें लगातार चलाते रहें बिना रुके, क्योंकि बहुत तेज़ी से गुड़ का सिरप ठंडा हो जाएगा। चूल्हा को मैंने पहले ही बंद कर दिया है, इस तरीके से मिलाएं, आप देख सकते हैं किस तरीके से रेशे निकलने लगे हैं। किचन सरफेस पे भी आप फैला सकते हैं। इसे हम बिना रुके पैन से ग्रीस की हुई थाली में निकाल लेते हैं, ये काम हमें बिना रुके फटाफट करना है। चम्मच के पीछे घी लगा लें, क्योंकि गुड़ है तो चिपकेगा बहुत। अब चम्मच से इसे दाब दाब के फैलाएं, देखिए किस तरीके से चिकना हो रहा है। अगर आप स्टेप बाय स्टेप इस विधि को फॉलो करते हैं तो अगर आपकी चिक्की परफेक्ट बाजार जैसी नहीं बनती है, टॉफ़ी की तरह कट कट का आवाज़ नहीं करता है, वो सॉफ्ट हो जाता है, तो वो प्रॉब्लम बिल्कुल सॉल्व हो जाएगा आपका। बस जिस तरीके से मैंने गुड़ का सिरप बनाना बताया है वैसे ही बनाइएगा। हल्का सा घी फिर से लगा ली हूँ, चिकना कर ले। आप बेलन पे भी घी लगा के चला सकते हैं। तो आपने देखा कोई परेशानी नहीं हुई, कितने अच्छे से सेट हो गया है। बस 30 सेकंड का टाइम लगा है, अभी हल्का गरम है, और हल्के गरम में ही हम चाकू से निशान दे देते हैं। बस शेप देने के लिए मैं इस तरीके से किनारे अलग कर दी हूँ, आप नहीं भी कर सकते हैं। चाकू से काटने के बाद इसी तरीके से खुले में 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ दें, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। 15 से 20 मिनट हो चुका है, चिक्की जम चुकी है, और ये जो कढ़ाई है दोस्तों, देखिए चारों तरफ गुड़ लगा हुआ है,
इसे साफ करने के लिए इसमें पानी डाल के गैस पे रख दें। जब गर्म हो जाएगा तो सारा गुड़ मेल्ट होके साफ हो जाएगा। अब हम चिक्की को निकालेंगे, तो आप एक कोना में चाकू को इस तरीके से घुसा के भी निकाल सकते हैं, या फिर थाली को उलट लें और ऐसे करें। तो देखिए निकलने लगा है, आवाज सुनिए। देखिए इतना आसान है, बहुत आराम से निकल जाएगा, काफी क्रंची है। मैं तोड़ के दिखा रही हूँ, आप आवाज सुनिएगा, है ना बिल्कुल बाजार जैसा। और सच कहूँ तो ये बाजार से भी ज्यादा टेस्टी है। तो मूंगफली में प्रचुर मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है और उतना ही फायदेमंद होता है जितना काजू। गुड़ आयरन से भरपूर होता है और इसमें हमने थोड़ा शुद्ध घी भी डाला, तो बहुत ही ज़्यादा पौष्टिक मिठाई है। तो जब मीठा खाने का मन करे तब आप ये चिक्की बनाएं। अगर आप गजक और चिक्की खाने के शौकीन हैं तो प्लीज़ मेरे कहने पर एक बार ज़रूर बनाएं। मुझे आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा, कैसा बना कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करके सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलूंगी आसान सी रेसिपी के साथ। धन्यवाद।